के छठी कक्षा का पाठ नौ टिकट एल्बम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो बच्चों की कहानी है, एक का नाम है राजप्पा और दूसरे का नाम है नागराजन। जैसे आपको इनके नाम से पता चल रहा है कि ये मूल रूप से एक तमिल कहानी है और इसका हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर जी ने किया है। तो इसमें राजप्पा जो है उसको टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है और वो बहुत प्रकार के देशों विदेशों के टिकट इकट्ठे कर करके एक बहुत सुंदर एल्बम बनाता है। और जो नागराजन है उसके मामा उसको सिंगापुर से एक बहुत सुंदर एल्बम भेजते हैं जिसका मेटीरियल बड़ा अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है, उसका डिजाइन बड़ा अच्छा है। तो टिकट तो उसके पास भी है लेकिन उसके पास टिकट जो है वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन राजप्पा जो है वो घूम घूम के बहुत दूर दूर तक जाकर टिकट्स को इकट्ठा करता है। तो क्या होता है जब नागराजन का टिकट एल्बम आता है तो सारी क्लास के बच्चे जो है उसके आसपास उसकी टिकट एल्बम देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसकी एल्बम तो बहुत सुंदर है और एल्बम देखकर बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन नागराजन क्या करता है, एल्बम किसी के हाथ में नहीं देता, वो एल्बम सिर्फ अपनी गोद में रखता है और बच्चों को कहता है कि आप यहीं से देखो, वो उनको देखने के लिए हाथ में नहीं देता एल्बम। तो धीरे धीरे जब उसकी इतनी तारीफ होने लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो राजप्पा है उसके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है कि सब इसकी तारीफ कर रहे हैं इसके काम की। अब जैसे कक्षा में आप काम करते हैं, आप सबको एक साथ काम दिया जाता है, कुछ बच्चे बहुत सुंदर काम करके लाते हैं, तो जब अध्यापिका उसके काम की तारीफ करती है तो दूसरे दिन कोई और बच्चा और सुंदर काम करके लाता है, उसके काम की तारीफ होती है। तो धीरे धीरे अगर किसी के काम की तारीफ ज्यादा होने लगती है तो धीरे धीरे आप सबके मन में क्या आता है, आपको थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस होने लगती है कि मैम ने तो उसका काम की इतनी तारीफ कर दी, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी, मेरे काम की तो इतनी तारीफ हुई नहीं। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जलन की भावना पैदा होने लगती है। तो यही सब भाव जो है राजप्पा के अंदर भी आना शुरू हो गए थे क्योंकि नागराजन की एल्बम की बहुत ज्यादा तारीफ होती थी। तो एक दिन उसके मन में क्या विचार आया कि मेरे पास जो थोड़े से फालतू के टिकट हैं मैं वो नागराजन को दे देता हूँ और मैं उसके बदले उसकी एल्बम में से थोड़े से टिकट ले लेता हूँ। तो वो ये सोच के उसके घर गया, लेकिन जब वो उसके घर गया तो नागराजन अपने घर में नहीं था। तो नागराजन की बहन ने उसको बिठाया उसके रूम में, तो वो बाहर चली गई, वो भी उसकी एल्बम की तारीफ कर रही थी। तो और उसके जो मन में ईर्ष्या की भावना थी और ज्यादा जागृत होने लगी। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे वो उसकी बुक्स को ऐसे देखने लगा तो उसने देखा कि टेबल की ड्रॉअर में छोटा सा ताला लगा हुआ है, तो चाबी भी उसको वहां पे मिल गई। उसने जब उसको खोला उसमें नागराजन का टिकट एल्बम पड़ा था। अब उसके मन में ईर्ष्या की भावना तो थी, उसने क्या किया, चुपचाप उसको उठाया और अपनी शर्ट के अंदर छुपा के अपने घर आ गया और घर में आके उसने उसको अपनी अलमारी में छुपा दिया। अब अगले दिन उसने ये काम तो किया लेकिन वो सही काम नहीं किया, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है ना। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन उसका एक और दोस्त आया पप्पू, उसने उसको आके बताया कि नागराजन का एल्बम जो है वो चोरी हो गया है। तो उसको बुरा तो बहुत लगा सुनकर, लेकिन उसको डर भी लगा कि अगर ये बात पकड़ी गई मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर उसने उसको ये बताया कि उसके पापा जो है वो पुलिस में रिपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि नागराजन जो है वो बहुत रो रहा है क्योंकि उसकी एल्बम खो गई है, उसकी बहुत प्रिय वस्तु खो गई थी, तो इसलिए वो सारी रात सोया नहीं, रोता रहा। तो उसके पापा ने सोचा कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस ढूंढेगी। इस बात से जो राजप्पा था वो और ज्यादा डर गया और फिर उसने क्या किया, अपनी एल्बम को दिमाग उसने लगाया इसको मैं कहाँ छुपाऊं। अब वो बाथरूम में नहाने जा रहा था, उसने क्या किया अपना एल्बम भी अपने साथ बाथरूम में ले गया। इतनी देर में उसकी मम्मी बाहर से आके दरवाजा खटखटाती है कि देखो बाहर कोई आया है। वो क्या करता है जल्दबाजी में, तो वहां पर पानी गर्म हो रहा था, उसकी मम्मी ने अंगीठी रखी हुई थी, उसने जल्दबाजी में वो एल्बम छुपाने के चक्कर में उस अंगीठी में फेंक दिया और वो एल्बम जो था वो धीरे धीरे जल गया सारा। अब वो गीला तुलिया लपेट के बाहर आया तो उसने देखा कि कौन आया, देखा तो नागराजन आया था उससे मिलने के लिए क्योंकि वो था तो उसका दोस्त ही, लेकिन उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे और वो
कि मेरा टिकट एल्बम खो गया है। तो राजप्पा के मन में क्या आया, उसने अपना एल्बम उठा के उसको दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम ये मेरा एल्बम ले लो, इसे तुम अपने पास रख लो। लेकिन नागराजन ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं ये ले सकता। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र ही तो हो, तुम ये ले लो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में पश्चाताप था कि मैंने इसकी एल्बम चोरी की है। अब उसने उसको वो एल्बम दिया, लेकिन जब वो जाने लगा तो उसको कहता है अच्छा एक बार, सिर्फ आज आखिरी बार एल्बम मुझे दे दो, ताकि मैं आज का दिन इसको जी भर के देख लूं, फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो नागराजन ने उसका एल्बम उसको दे दिया और वो अपना एल्बम लेके अंदर चला गया। तो ये कहानी इतनी ही है, लेकिन इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है और ना ही अपने काम की तुलना किसी और के काम से करनी है। क्योंकि अगर हम मन में ईर्ष्या रखते हैं तो ना चाहते हुए भी हम कभी कभी ऐसे गलत काम कर जाते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, जो एक बहुत गलत बात है। तो हमें ईर्ष्या और तुलना नहीं करनी।